Hey guys and welcome to the concept study classes Learn with Concepts. So student, आज हम पढ़ेंगे class 10th biology का sexual reproduction. इसका जो first part है asexual reproduction in plants, वो मैं अपने first वाले video में explain कर चुकी हूँ. But इसमें हम पढ़ेंगे sexual reproduction both in humans and in plants. Okay? So basically जो plant में होता है उसका जो reproductive part होता है वो located होता है flower. Okay? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो बेसिकली जो हमारा फ्लावर होता है उसमें फोर मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज स्टेमेन, जिसको कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं. ओके, दिस इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स दैट इज येलोइश इन कलर. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉलन ग्रेन्स जो कि येलोइश कलर के होते हैं. अब ये जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन, इसके टू पार्ट हैं एंथर एंड फिलामेंट. ये जो टॉप मोस्ट पे हैं एंथर. ओके, एंथर ही में ही पॉलन ग्रेन हमारे सिक्रीट होते हैं एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट. कभी कभी आपने टच किया होगा तो आपके हाथ में जब आप कोई फ्लावर को तोड़ते हैं तो येलोइश कलर का जो भी एक पिगमेंट टाइप का लग जाता है उसी को हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं. ओके, अब ये जो सेकेंड दिख रहा है कार्पेल, इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं. ओके, पिस्टिल. सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, तो इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं और ये एकदम सेंटर में लोकेटेड होता है. ये देखिए ये एकदम सेंटर में है. ओके, तो ये जो टर्मिनल पे दिख रहा है आपको स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है ताकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसमें स्टिक हो सके. तो सेकेंड इज ये जो इलोंगेटेड ट्यूब आपको दिख रहा है जो बड़ी स्टाइल से खड़ा है, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं स्टाइल. ओके, ये यहीं से जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये पास होते हैं, है ना. ये पैसेज है पॉलन ग्रेन्स के लिए ताकि वो ओवरी में पहुंच सके. एंड ये जो बॉटम पे है जो स्वेलन टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओवरी. जो मेन जो हमारा फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मीन्स जो ओवरी जो है ये एग सेल को प्रोड्यूस करती है ना, सिक्रीट करती है फीमेल जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं. तो जो हमारे मेल जर्म सेल हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे फ्यूज होते हैं फीमेल जर्म सेल से और यहीं पे ये जो ओव्यूल है इसके अंदर ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, अब हम मैं आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. बट यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी फ्लावर में सिर्फ या तो हमारा ये होगा स्टेमेन होगा या फिर पिस्टल होगा. ओके, या तो स्टेमेन होगा या पिस्टल होगा, है ना, कोई भी एक पार्ट होगा तो उसको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं. उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके, लाइक हमारे जो पपाया है या जो वाटरमेलन है, है ना, दे आर यूनिसेक्सुअल. अब जो सेकेंड है, जो कुछ फ्लावर्स होते हैं दे कंटेन बोथ पार्ट, है ना, उनमें स्टेमेन भी होता है एंड कार्पेल भी होता है. सो दे आर नोन एज बायसेक्सुअल फ्लावर. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन. तो हम यहाँ पे देखेंगे वॉट इज पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा. ओके, तो जो हमारे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनका ये एंथर से ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन में टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन इन द सेम फ्लावर, मीन्स ये एक ही फ्लावर है तो इसी सेम फ्लावर में इसके जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं ये इसके स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे. ओके, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और जब हमारा ये एक फ्लावर है इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये ट्रांसफर होंगे ये दूसरे फ्लावर पे, तो दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, एंड पॉलिनेटर इज अ एजेंट विच कैरीज पॉलन ग्रेन्स, मतलब वो ट्रांसफर करता है ना, विच ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर और विद इन द फ्लावर. ओके, तो पॉलिनेटर कोई भी हो सकता है, आइदर इट इज विंड होता है, वाटर हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं. सो दिस इज नोन एज पॉलिनेशन. ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो भी मेल जर्म सेल है और फीमेल जर्म सेल है जब वो फ्यूज़ हुए तो जो जाइगोट हुआ है ना प्रोड्यूस,
दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल. दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ओके, अब जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल दोनों फ्यूज हुए तो उससे जाइगोट हुआ, है ना. दे गिव्स अस जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है. तो ये देखिए, जब ये पॉलन ग्रेन्स ये यहाँ पे स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाते हैं तो ये ऐसे ही नहीं एंटर हो जाते हैं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये देखिए, ये जो ये एक ट्यूब बनाया है इसने, ये पॉलन ग्रेन ने, ये एक ट्यूब ग्रो करता है ये, जो कि ओवरी तक पहुँचता है. ओके, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब. और इस ट्यूब के अंदर ही ये दिख रहा है आपको, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ ओवरी में जाता है. और जब ये यहाँ पे ओवरी में जाता है, ये ओव्यूल है, इस पर क्या होता है, इस पर फीमेल जर्म सेल्स होते हैं. तो यहाँ पे जाके जो मेल जर्म सेल रहता है वो फीमेल जर्म सेल से फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना. एंड यहाँ पे हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट, ठीक है ना. एंड जाइगोट फर्दर डिवाइड्स, है ना, फर्दर डेवलप एंड डिवाइड्स, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो. ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का है, कि कैसे पॉलन ग्रेन्स आए और वो कैसे ओवरी तक पहुँचे. दिस इज ऑल नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब हम जो नेक्स्ट है हमारा देखेंगे, जो हमारा पूरा प्रोसेस था सीड जर्मिनेशन का वो कैसे हुआ था. सो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ठीक है, दे ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ओके, अब ये या तो सेम फ्लावर में हुए, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ थ्रू एजेंट्स लाइक एयर वाटर एंड एनिमल्स. पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब्स विच पासिस थ्रू स्टाइल. जो पॉलन ट्यूब था ना, ये स्टाइल के थ्रू गया और ये ओव्यूल में पहुँचा जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. उससे क्या हुआ, ये हमारा जाइगोट हुआ, ये जाइगोट. जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी. जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो. अब जाइगोट और डिवाइड हुआ और उसने एम्ब्रियो बनाया. ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली. अब जो हमारा ओव्यूल है ना, ये जो ओव्यूल था जिसके अंदर ये जाइगोट था जिसने एम्ब्रियो बनाया था, ये एक थिक कोट डेवलप कर देता है और ये एक एज अ सीड फॉर्म बन जाता है एंड एज अ सीड ग्रो करता है. और जो हमारी ओवरी रहती है वो एज अ फ्रूट ग्रो करती है और जो भी उसके पार्ट होते हैं लाइक लीव फ्लावर वो सब फॉल ऑफ हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब जो नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. सो बेसिकली ह्यूमन यूज सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमंस जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन उनमें थ्रू सेक्शुअल मोड होता है. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो भी रिप्रोडक्शन होने से पहले जो भी बॉयज़ या गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, मींस उनकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है, तो वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, है ना, मतलब वो क्या चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्शुअल मैच्योरेशन. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, मींस जो कि फीमेल की बॉडी ने प्रोड्यूस किए, है ना, दैट इज नोन एज ओवा. एंड स्पर्म जो कि मेल की बॉडी ने प्रोड्यूस किए, है ना, एज यू नो बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी प्रोड्यूस जर्म सेल, है ना. सो व्हेन द पीरियड ऑफ लाइफ, जहाँ पे कि फीमेल जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल जिसको कि हम स्पर्म बोलते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्शुअल मैच्योरेशन. दिस पीरियड ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज ऑल्सो नोन एज प्यूबर्टी. ओके, दिस ऑल्सो नोन एज प्यूबर्टी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 12 से 14 ईयर्स तक होता है. हर एक पर्सन में इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मीन्स हर एक की जो बॉडी शेप रहता है वो अलग रहता है, उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स अलग होते हैं, है ना, तो उनमें भी मीन्स किसी में वो पहले होगा, किसी में बाद में होगा, तो ये सब चेंजेस होते हैं, है ना. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी,
प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं इन गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। अब जो कॉमन चेंजेस होते हैं इन मेल एंड फीमेल्स, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया। उनके जो आर्मपिट्स और जो जेनाइटल एरिया होते हैं उनमें हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ना, और वो हेयर थोड़े थिक टाइप के होते हैं। स्किन बिकम ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिम्पल्स, है ना। मोस्टली जो टीनेजर्स रहते हैं उनकी स्किन जो है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स उनकी स्किन बहुत ही ऑयली हो जाती है और पिम्पल्स हो जाते हैं, है ना। आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा। अब गर्ल्स में बेसिकली क्या चेंज होते हैं, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। ओके, जो उनका ब्रेस्ट साइज है इट बिगिंस टू इंक्रीज, वो इंक्रीज होने लगता है। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मींस मेंस्ट्रुएशन का मतलब है इट इज़ साइकिल विच कम्स इन एवरी मंथ, है ना, जो हर महीने आती है ऑलमोस्ट, है ना, जो हर गर्ल में होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक साइकिल होती है जिसमें कि जो एग होता है वो हमारा जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो एक ब्लड और म्यूकस के साथ वो बॉडी के बाहर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि एवरी मंथ आती है। अब बॉयज़ में बेसिकली क्या चेंज होते हैं, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, उनके फेस पे मुस्टैच आ जाती है या थिक मोटे मोटे हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड वॉइस बिगैन टू क्रैक, उनकी जो वॉइस है वो क्रैक होने लगती है। सो दीज आर द चेंजेस सिग्नल दैट शो द सेक्सुअल मैच्योरिटी टेकिंग प्लेस। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि बताते हैं कि जो गर्ल्स या बॉयज़ हैं उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट प्रोड्यूस स्पर्म, जो कि एक मेल जर्म सेल होता है, और हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्टिस, है ना। सो ये टेस्टिस में ही प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो होता है हमारा, ये टेस्टिस में ही होता है जो कि स्कॉटम से कवर्ड रहती है। ओके, स्कॉटम जो होता है इट इज़ अ एक्सटर्नल पाउच, है ना, दैट कंटेनिंग टेस्टिस एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है, अब क्यों होता है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म के जो फॉर्मेशन रहते हैं उनको बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। अब यहाँ से ये जो देखिए ये एक ट्यूब निकल रही है, दिस इज़ नोन एज वास डिफरेंस। ओके, दिस ट्यूब इज़ नोन एज वास डिफरेंस, जो कि आगे होती हुई ये यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होके ये यूरेथ्रा के थ्रू। सो यूरेथ्रा जो है हमारा इट इज़ अ कॉमन पैसेज। ओके, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ, किसके लिए कॉमन पैसेज है, ये स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। ओके, सो इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड फॉर स्पर्म। ओके, अब ये देखिए ये जो बीच में ये जो पूरा ये वास डिफरेंस था, ये जो हमारा ट्यूब गया, इसके बीच में ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ना, तो इनका क्या वर्क हो रहा है, इनका क्या वर्क हो रहा है ना, इनका क्या काम है यहाँ पे। सो दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड फ्लूइड टू द स्पर्म। ओके, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल है, ये जो स्पर्म यहाँ से पास होगा इस ट्यूब के थ्रू, तो ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी एंड फ्लूइड प्रोवाइड करेगी ताकि वो ईजली वहाँ से पास आउट हो सके थ्रू यूरेथ्रा, है ना। ओके, दिस इज़ नोन एज पैनिस, ये दिख रहा होगा आपको पैनिस ये। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो स्पर्म है हमारा उसका स्ट्रक्चर। तो स्पर्म में बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ हेड, सेकेंड इज़ मिडिल पीस एंड थर्ड इज़ टेल। सो जो हमारा हेड होता है उसको हम एक्रोसोम भी बोलते हैं, जिसमें कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो हमारा मिडिल पीस है उसको हम कोलार भी बोलते हैं, इट कंटेनिंग मैनी माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल।
एंड दिस इज़ अ टेल जिसको कि हम फ्लैजेलम बोलते हैं एंड इट कॉज स्पर्म टू स्विम मीन्स ईजली वो स्विम हो सके ईजली जा सके इसलिए दिस टेल इज वेरी यूजफुल ओके सो बेसिकली द स्पर्म आर द टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल ओके तो ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं ओके तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसको स्टडी करते हैं जो अब जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस हुए थे वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ ओवरी दिख रहे हैं जिसके अंदर के थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं है ना थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं दोनों ओवरी में ना और ये हर मंथ एक एक एग रिलीज करती है फॉर फर्टिलाइजेशन और जब वो फर्टिलाइज नहीं होता तो वो एज अ ब्लड विद द म्यूकस एंड ब्लड वो बाहर आ जाता है जिसको कि हम मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं और जो कि एवरी मंथ होती है ना इट हैपन इन एवरी 30 डेज ओके तो ये बाय बर्थ ही रहते हैं बट ये उस टाइम मैच्योर नहीं होते और जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है ना तब ये जो हमारे एग है ये फेलोपियन ट्यूब से ये रिलीज होने लगते हैं और ये यूटरस पे आके अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिस ये जो फेलोपियन ट्यूब है जब हमारा ये एग यहाँ से पास होता है तो ये वाली जो साइट है हमारी यहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं दिस इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और जब वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं ना दिस इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन ओके फर्टिलाइजेशन और जब वो जाइगोट बन जाता है तो वो एज अ एम्ब्रियो यहाँ पे यूटरस की वॉल पे स्टिक हो जाता है जहाँ की ये यूटरस की वॉल पे जो रहती है ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहती है जो कि इस उसको बहुत सारा ब्लड और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को ओके तो यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियो है वो ग्रो होता है विद इन इनसाइड द प्लासेंटा एक प्लासेंटा होता है ना प्लासेंटा एक टाइप का टिश्यू होता है स्पेशल टिश्यू होता है जिसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है और उसके अंदर ही उसको मदर से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है ओके न्यूट्रिशन और जो भी है उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन जो भी चाहिए वो थ्रू प्लासेंटा के थ्रू उसको मिलता है बेबी को और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी प्लासेंटा के थ्रू वो बाहर भेजता है ताकि वो मदर की बॉडी से उसको हम ट्रांसफ़र कर सके ओके सो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन होता कैसे ओके यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पर्म आया तो कैसे हुआ तो बेसिकली जो हमारा स्पर्म यहाँ से आता है ओके सर्विक्स से ओके ये सर्विक्स से आता हुआ और ये ओवरी ने अपना एक एग रिलीज़ किया जब ये एग यहाँ पे आया फेलोपियन ट्यूब में एंड ये स्पर्म यहाँ से ये भी आया और यहाँ पे दोनों फ्यूज हुए तो यहाँ पे क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ ओके और यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ हमारा क्या फॉर्म हुआ जाइगोट ओके और जब ये जाइगोट और डिवाइड होने लगा तो ये यहाँ पे आके यूटरस की वॉल पे स्टिक हो जाएगा यहाँ पे यूटरस की वॉल पे स्टिक हो जाएगा और उसके आउटसाइड ये एक टिश्यू टाइप का बन जाएगा जिसको कि हम बोलते हैं प्लासेंटा ओके और इसके अंदर भी ही वो जो हमारा एम्ब्रियो है वो डेवलप होने लगेगा और वो नरिशमेंट उसको ये यूट्रस की वॉल से प्रोवाइड कराएंगी और प्लासेंटा के थ्रू उसको जो मदर की बॉडी से है उसको सारे ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो मिलते रहेंगे और वो अपना वेस्ट मटेरियल वो यहाँ से इजेक्ट करेगा ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स आर टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजिकल इमोशनल सोशल एंड बिहेवियरल ओके मीन्स कोई भी बीइंग है कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसको सिर्फ वो जब फिजिकली प्रिपेयर रहेगा तभी वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं रहता
उसको मेंटली भी स्ट्रांग होना रहता है, इमोशनली भी, सोशली भी एंड बिहेवियरली. ओके, सो दिस इज़ ऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब जो भी हमारे सेक्सुअल के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो वो कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे. मैनी डिसीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल एंड वायरस. तो जो बैक्टीरिया के थ्रू जो डिसीज़ हमारी कैरी होंगी, है ना, दिस फर्स्ट इज़ गोनोरिया एंड सेकेंड इज़ सिफिलिस. और जो वायरल डिसीज़ है, इसमें आप देख रहे हैं वॉट्स एंड HIV एड्स. अब दिस इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़. जो एड्स हो गया, इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट डिस्ट्रॉय ऑल द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो उसका इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं करता, वो वर्क ही नहीं करेगा. ओके, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस होने लगेंगे, बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती है. अब इसके क्या प्रिवेंशन है ना, जो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, इनको रोकने के क्या क्या प्रिवेंट, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट है फिजिकल जो मैकेनिकल मेथड है, यूज़ ऑफ कॉन्डोम एंड कॉन्ट्रसेप्शंस. ओके, अब हम आगे देखेंगे जो हमारे कॉन्ट्रसेप्शंस हैं. ओके, उनके बारे में ये देखिए, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस. ओके, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन. तो फर्स्ट तो फिजिकल बैरियर है कि हम यूनियन ऑफ एग और स्पर्म सेल को रोक सके. अब ये कैसे रोक सकते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स, मीन्स कॉन्डम्स का यूज़ करके, जो कि मेल्स के थ्रू होता है, और आजकल तो फीमेल कॉन्डम्स भी आ गए, और थ्रू सर्वाइकल कैप्स. ओके, जो केमिकल मेथड है ना, इट इंक्लूड यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, है ना, पिल्स के थ्रू हम कुछ हार्मोन, मतलब बॉडी में जो हार्मोनल लेवल है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है. ओके, तो इसके थ्रू भी हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. ओके, तो थर्ड है हमारा इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस, IUCD. ओके, अब ये क्या होता है, कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. मीन्स ये जो हमारा यूट्रस था ना, ये दिस इज यूट्रस, तो इसमें एक टी शेप का, ये कॉपर का टी शेप का, ये जो हमारा यूट्रस था, ये टी शेप का, ये जो फेलोपियन ट्यूब आया था ना, ये यहाँ से आया था और एक यहाँ से आया था, है ना. तो ये जो कॉपर टी होती है, ये इसके जो एग के जो पाथ है उसको ब्लॉक कर देती है, है ना. एग मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाता है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है. दिस इज़ वन मेथड, बट इसके भी साइड इफ़ेक्ट रहते हैं. कभी कभी किसी को पेन होता है, बहुत सारा मीन्स ब्लड बार बार उसमें ब्लीडिंग होने लगती है. सो दिस इज़ ऑल्सो, मतलब सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सबकी बॉडी पे डिपेंड होता है ये. एंड द फोर्थ इज सर्जिकल मेथड, जो कि बहुत ही सेफ है. इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस, जो कि एक ट्यूब था ना मेल्स में, ये जो गया था ये आपके स्कॉटम से, है ना, ये ट्यूब था, उसको ब्लॉक कर देते हैं थ्रू ऑपरेशन के थ्रू, उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है उनका ट्रांसफ़र ना हो सके. ओके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी. इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफ़र. तो हमारे जो स्पर्म है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. ओके, अब स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो कहाँ पे जाएंगे, वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे. ओके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी. इन फीमेल्स द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड. फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब था उसको ब्लॉक कर देते हैं थ्रू ऑपरेशन टू प्रिवेंट एग ट्रांसफ़र. इससे भी अब ये ओवरी थी, अगर फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक किया तो ये जो एग्स है ये भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, तो भी हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्यूबेक्टोमी. तो जो मेल्स में है दैट इज़ वैसेक्टोमी, और जो फीमेल्स में है जो एग के ट्रांसफ़र को प्रिवेंट किया, दिस इज ट्यूबेक्टोमी. ओके, तो ये हमारे हो गए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस. अब जो नेक्स्ट है हमारा फीमेल फीटोसाइट्स. व्हाट इज फीमेल फीटोसाइट्स? तो फीमेल फीटोसाइट इज द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म कॉल्ड फीमेल फीटोसाइट. मीन्स गर्भ, गर्भ जो होता है ना, जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है मदर के अंदर, है ना, वॉर्म, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं, है ना, उसके अंदर जो हमारा चाइल्ड जो है डेवलप होता है,
और कई लोग क्या करते हैं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं कि वो गर्ल है या बॉय है। तो अगर गर्ल होती है तो कहीं कहीं पे जो बहुत पुरानी टाइम से जो प्रथा चली आ रही है तो उसको किल करवा देते हैं, जो गर्ल चाइल्ड है उसको मरवा देते हैं, ओके, उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फीमेल फीटोसाइड, ओके, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म कॉल्ड फीमेल फीटोसाइट, इसको किल करवाना, ओके। तो फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव बाय एजुकेटिंग पीपल एंड स्टॉप माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फीटोसाइट्स एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। तो एक हेल्दी सोसाइटी में सेक्स का बैलेंस जो रेशियो है उसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टाइप्स की एक्टिविटी को स्टॉप करें, है ना, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको भी स्टॉप करें, ओके। सो इट इज़ अ लीगल सेक्स ऑफेंस इन आवर कंट्री टू बैलेंस सेक्स रेशियो। अब द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग मींस जो भी ऑफस्प्रिंग हो रही हैं वो टू पेरेंट्स से ही प्रोड्यूस होगी, है ना, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा, इसका भी होगा, तो इसमें मे बी सम वेरिएशंस या इवोल्यूशन हो सकता है ना। सो वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वेरिएशंस होते हैं, है ना, जो कि एसेक्सुअल में नहीं होता है। ऑर्गेनिजम्स इज मोर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन, ओके। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड, है ना, वो उस एनवायरनमेंट में इजली अडेप्ट कर लेता है क्योंकि उसकी बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन हो जाते हैं, ओके। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स टू ऑर्गेनिजम्स मस्ट फाइंड अ मेट, मीन्स जब तक एक पार्टनर नहीं रहेगा या एक पेरेंट नहीं रहेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। सेकेंड है इट रिक्वायर मोर सेल्यूलर एनर्जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी मीन्स ज़्यादा एटीपी हमारे खर्च होते हैं। थर्ड इज मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट, ओके। तो जो हमारे ए सेक्शन में है वो कम टाइम में होता था बट इट टेक मोर टाइम, है ना, फॉर ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट, जो बेबी है उसके डेवलपमेंट में बहुत सारा टाइम इसमें जाता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड स्टे हेल्थ।